यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रोविजन पढ़ रहे थे, और वो मिसलेनियस प्रोविजन में हमने अभी तक जो पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 200A करके एंड 206CB। ये 200A क्या होता है? ये तुम्हारा TDS का इंटीमेशन होता है, और 206CB है ये तुम्हारा TCS का इंटीमेशन होता है। अब एक बात समझना, जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो तो उसके बाद बैंगलोर में एक सीपीसी बना रखा है। सीपीसी का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। ये कहां है? बैंगलोर में। ये क्या करता है? आपके रिटर्न को प्रोसेस करता है। अगर उसमें कोई अरिथमेटिक एरर है या इनकरेक्ट क्लेम है तो उसको वो सुधार देता है। अरिथमेटिक एरर मीन्स जैसे आपने कहीं कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत किया है, या फिर आपने मान लो अपने रिटर्न में गलत रेट से टीडीएस जमा कराया है, काटा है, समथिंग कुछ गलतियां है, अरिथमेटिक एरर है, या फिर कोई भी ऐसा अरिथमेटिक एरर है या इनकरेक्ट क्लेम है, आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम ले लिया, टीडीएस जमा तो कराया ही नहीं और आपने उसको क्रेडिट में डाल दिया है, तो अगर ऐसा कुछ किया है तो वो उसको सॉल्व करेगा, और सॉल्व करने के बाद आपको एक इंटीमेशन भेजेगा। और वो इंटीमेशन कब तक भेजते हैं? विद इन वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल। आजकल तो बड़ा जल्दी आ जाता है, आपको पता है 15-20 दिन में इंटीमेशन आ जाता है, बट ये टाइम लिमिट होता है वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल। तो जिस ईयर में आपका रिटर्न फाइल हुआ उस ईयर के एंड से एक साल के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन आता है, ऐसा लॉ बोलता है करके, ठीक है। नॉट मोर इंपोर्टेंट सेक्शन। एक सेक्शन होती है 201। अब ये 201 सेक्शन क्या बोलती है कि अगर मान लो आपने किसी का टीडीएस काटा नहीं, काटना था टीडीएस बट आपने टीडीएस काटा ही नहीं, या फिर टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को आप जमा ही नहीं करा रहे हो, आप बड़े बेशरम हो, आपने टीडीएस या तो काटा नहीं या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे, तो आपको असेसिंग ऑफिसर आपको असेसिंग डिफॉल्ट बना सकता है। जैसे वोडाफोन को बनाया था, वोडाफोन ने हचिसन को पेमेंट किया था, उनका टीडीएस नहीं काटा था, और नहीं काटा तो उस पर्टिकुलर केस में वोडाफोन को बना दिया असेसी इन डिफॉल्ट, फिर वोडाफोन जीत गई थी सुप्रीम कोर्ट में, फिर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया, फिर वापस प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया, वो मैं आपको नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में बताऊंगा। बट एक बात बताऊं, असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है कि आपने किसी का टीडीएस या तो काटा नहीं या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करा रहे, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाएगा। और असेसी इन डिफॉल्ट अगर बनाया जाता है तो आप पे एक तो 221 का पेनल्टी 221 का इंटरेस्ट लगता है, एंड उसके सॉरी 221 का पेनल्टी लगता है, और एक 220 का इंटरेस्ट लगता है। और 221 का पेनल्टी क्या होता है पता है? जितना आपने टीडीएस नहीं काटा उसका 100% तक वो पेनल्टी लगा सकते हैं, कि जितना आपने टीडीएस नहीं काटा या गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया उसका 100% तक आप पे पेनल्टी लग सकता है करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, असेसी इन डिफॉल्ट, ए पेयर नॉट डिडक्टेड टीडीएस, मींस आपने टीडीएस नहीं काटा, या फिर आफ्टर डिडक्शन नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे नहीं किया, देन सच पर्सन इज ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट एंड रिक्वायर्ड टू पे द पेनल्टी अंडर सेक्शन 221 एंड दैट कैन बी मैक्सिमम 100% ऑफ द टीडीएस अमाउंट। बट एओ कब तक आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाएगा? जैसे आप टीडीएस काटना भूल गए थे तो कब तक आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है? तो देखो, AO shall pass the order to treat assessee in default within 7 years from the end of the financial year in which payment or credit is made if the payment is made to the resident without TDS. Means, अगर मान लो किसी resident person को आपने payment किया था या credit किया था उसका account और आपने TDS नहीं काटा, TDS नहीं काटा means without TDS आपने payment कर दिया था, TDS नहीं काटा, तो आपको assessee in default बनाया जाएगा। उस year के end से 7 साल तक का time है, 7 ईयर्स के अंदर आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। लेकिन एक बात समझना, आपने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया था या फिर आपने टीडीएस काटा था बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो आपने ज्यादा गड़बड़ किया है, मींस गलत किया है, तो इसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, 7 साल के बाद भी आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है। तो देखो, अगर किसी रेजिडेंट को पेमेंट किया था और उसका टीडीएस नहीं काटा तो आपको 7 ईयर्स के अंदर असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया था, टीडीएस नहीं काटा, या फिर किसी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया था, टीडीएस काटा था बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो आपका अनलिमिटेड ईयर से कभी भी 20 साल बाद भी आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है। तो देखिए, ए पेमेंट इज मेड टू नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस और टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, देन देयर इज नो टाइम लिमिट इन लॉ टू ट्रीट द असेसी इन डिफॉल्ट, मींस आफ्टर 15-20 ईयर्स भी आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है। एक ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पीजीबीपी में बताया था कि एक बात बताओ, आपने टीडीएस नहीं काटा आगे वाले का,
लेकिन आगे वाला बंदा बड़ा ईमानदार था, बड़ा ऑनेस्ट था। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि मैंने मान लो केशवानी सर को पेमेंट किया और हमने उनका टीडीएस नहीं काटा, लेकिन वो बड़े ऑनेस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इनकम को इनकम में इंक्लूड कर दिया, उस पे जो भी टैक्स आता था गवर्नमेंट को भर दिया, उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। हम एक सीएसए फॉर्म लेके आगे 26A में, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे, आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे। बड़ा लॉजिकल चीज है कि आपने किसी को पेमेंट किया था, टीडीएस नहीं काटा था, बट वो पर्सन बड़ा ऑनेस्ट है, उसने क्या किया, इनकम को इनकम में इंक्लूड कर दिया, उस पे जो भी टैक्स आता था वो टैक्स गवर्नमेंट को भर दिया करके, ठीक है भैया उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। आप एक सीएसए सर्टिफिकेट लेके आ जाते हो तो फिर आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं बनाया जाएगा। लास्ट सेक्शन इस पार्ट की, और लास्ट सेक्शन 2011A, ये आपको ध्यान देनी है। सेक्शन 2011A क्या बोलती है कि भैया अगर आप टीडीएस लेट काटते हो, देखो ऊपर तो क्या था कि भैया अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं, बड़े बेशरम हो, काटा ही नहीं, एक साल गुजर गया, दो साल आपने टीडीएस काटा ही नहीं, या आपने काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। ये सेक्शन क्या बोलती है 2011A कि अगर आपने टीडीएस लेट काटा या फिर टीडीएस आपने लेट जमा कराया, तो अगर आपने लेट काटा या लेट जमा कराया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ये इंटरेस्ट कितना लगता है पता है, ये इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने लेट काटा तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब जितना टीडीएस का अमाउंट था, जितना लेट काटा उस पीरियड के लिए 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द अमाउंट। कहां से कहां तक लगेगा पता है, जिस दिन टीडीएस काटना था उस दिन से लेके जिस दिन टीडीएस काटा, मतलब जिस दिन टीडीएस काटना था उस दिन से लेके जिस दिन टीडीएस काटा उस दिन तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आपने लेट जमा कराया तो भैया 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, बिकॉज आप फ्रॉड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो टीडीएस को लेट जमा करा रहे हो गवर्नमेंट को, तो लेट जमा करा रहे हो मीन्स गवर्नमेंट का पैसा आप दबा के बैठे हो, गवर्नमेंट का पैसा आप रख के बैठे हो, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा दैट इज 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। बट कहां से कहां तक लगेगा पता है, जिस दिन टीडीएस काटा उस दिन से लेके और जिस दिन गवर्नमेंट को जमा कराया उस दिन तक का आपका इंटरेस्ट लगेगा। एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, इस एग्जाम्पल से आपको इजिली समझेगा। इधर देखिए, जैसे हुआ क्या, मैंने मान लो कोई पर्सन को मैंने प्रोफेशनल फीस पे की, प्रोफेशनल फीस पे की 19 जुलाई 2022 को और 5 लाख का प्रोफेशनल फीस पे किया इस दिन, बट मान लो टीडीएस नॉट डिडक्टेड, टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नॉट डिडक्टेड। अब हुआ क्या, यहां टीडीएस मैंने नहीं काटा, अब मैंने क्या किया, टीडीएस डिडक्ट किया, डिडक्टेड ऑन सपोज 15 नवंबर 2022, इस दिन को मैंने टीडीएस डिडक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बात समझना, ये टीडीएस मैंने डिपॉजिट कब कराया पता है, मैंने ये टीडीएस डिपॉजिट कराया ऑन 26 जून 2023 को। तो अब आप समझिए इंटरेस्ट कैसे कैसे लगेगा। तो पहली चीज तो आपने टीडीएस लेट काटा, तो लेट काटा, आंसर इज यस, क्योंकि आपने जब पेमेंट किया था इसी दिन टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस इस दिन काटा है, तो भैया यहां से लेके और यहां तक आपका इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो आपका टीडीएस का अमाउंट कितना है, 5 लाख है, प्रोफेशनल फीस पे 5 लाख पे 10% की रेट से आपका 50,000 टीडीएस का अमाउंट आना चाहिए, 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से, कहां से कहां तक, 19 जुलाई 2022 से लेके और 15 नवंबर 2022 तक। अब एक बात समझिए, यहां पे मैं बोल रहा हूं 19 जुलाई 2022 से लेके 15 नवंबर 2022, यहां पे आप मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथ क्या कैलेंडर मंथ लेने हैं, ऐसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऐसे 5 महीने लेने हैं, या फिर आप क्या करेंगे डेट वाइज चलेंगे कि भाई 19 जुलाई से लेके और आपका 19 जुलाई से लेके 18 अगस्त, ये 1 मंथ हुआ, 1 मंथ 18 अगस्त, 18 सितंबर 2 मंथ, 18 अक्टूबर 3 मंथ एंड 18 नवंबर 4 मंथ, तो ऐसे 4 मंथ हो रहा है। और अगर आप कैलेंडर मंथ लेंगे तो 5 मंथ होंगे। अब एक बात समझना, यहां पे मंथ को लेके कहीं क्लैरिटी नहीं है लॉ में, हमारे पूरे इनकम टैक्स लॉ में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि भैया पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होगा, क्या पार्ट ऑफ द मंथ में हमको कैलेंडर मंथ लेना है या फिर कैलेंडर मंथ को क्या ऐसा मानना है कि भाई कैलेंडर मंथ में एक भी दिन है तो अपने को वो पूरा मंथ ऐसे लेना है, या फिर हमको यहां पे जो है वो आपको डेज वाइज कैलकुलेट करना है और मंथ का मतलब 30 डेज लेना है।
अब इसमें कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी नहीं है तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, दोनों व्यू लेती है। इंस्टीट्यूट देखो लॉजिकली तो क्या होना चाहिए ना, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब यही होना चाहिए कि 19 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त है, ये एक महीना होना चाहिए, फिर उसके बाद 18 सितंबर, 18 अक्टूबर एंड 18 नवंबर, तो चार महीने, तो आपको चार महीने का यहां पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। लेकिन जो ट्रेसेस का वेबसाइट है, जो ट्रेसेस का वेबसाइट है वो यहां पे पांच महीने पकड़ता है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, आप चार महीना करके आइए, कोई दिक्कत नहीं। मंथ का मतलब भैया आपका 19 जुलाई से लेके और आपका 18 अगस्त, वो एक महीना होगा, 18 सितंबर, 18 अक्टूबर एंड 18 नवंबर करके, ठीक है, ये आपके चार महीने हो गए। तो चार महीने का इंटरेस्ट आ गया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय चार महीना, तो आपका ये इंटरेस्ट आया 2000। अब एक बात समझिए, आपने टीडीएस डिडक्ट कर दिया 15 नवंबर को, आपको जमा कब कराना चाहिए मैं बताऊं, अगले महीने की 7 तारीख तक, और अगले महीने की 7 तारीख आती है 7 दिसंबर 2022 तक आपको जमा कराना चाहिए था। आपने तो जमा कराया कब जाके पता, 26 जून 2023 को, तो कितना आपने तो डिले कर दिया। तो इस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा कि 50,000 का टीडीएस था तो 1.5% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। अब ये इंटरेस्ट कौन से पीरियड का लगेगा, क्या पीरियड 7 दिसंबर तक आप जमा करा सकते थे तो 7 दिसंबर के बाद में क्या ये इंटरेस्ट चालू होगा 8 दिसंबर से, आंसर इज नो, ये इंटरेस्ट रन करेगा। अगर आपने 7 दिसंबर तक जमा करा दिया होता तो बेटा इंटरेस्ट नहीं लगता, बट अगर 7 दिसंबर को जमा नहीं कराते हैं तो ये इंटरेस्ट आपका रन होगा, दैट इज 15 नवंबर 2022 से लेके जिस दिन टीडीएस काटा था वहां से लेके टीडीएस जमा कराया, दैट इज द 26 जून 2023। अब 26 जून 2023 यहां पे भी मंथ वैसे ही, 15 नवंबर से 14 दिसंबर एक महीना, 14 जनवरी दो महीना, 14 फेब तीन महीना, 14 मार्च चार महीना, 14 मई एंड 14 जून, एंड 14 जून के बाद भी ये 26 जून, तो आपके 7 मंथ हो जाएंगे। यहां पे आपके टोटल कितने मंथ हो जाएंगे, 7 मंथ हो जाएंगे, 7 मंथ हो जाएंगे, सही बोल रहा हूं मैं, 15 नवंबर से 14 दिसंबर, 14 जनवरी, 14 फेब, 14 मार्च, 14 अप्रैल, 14 मई, 14 जून एंड 14 जून के बाद में, तो 8 मंथ हो जाएंगे। यहां पे आपका 8 मंथ हो जाएंगे, तो 8 मंथ का 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5% मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ, इट्स कम्स टू द 6,000, तो आपको टोटल गवर्नमेंट को 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा करके, ठीक है। चलिए आपको चाहिए तो ये एक बार देख लीजिए करके, ठीक है। अब एक बात समझना, एक कंपनी है जिसका नाम है सन आउटसोर्सिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 2018 तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या किया कि अपने एम्प्लॉयज को इंडिया के बाहर भेजा था कुछ काम के लिए, अपने एम्प्लॉयज को इंडिया के बाहर किस काम के लिए भेजा था, आउटसोर्सिंग का काम है, देखिए कंपनी के नाम से पता चलता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर भेजा और उनका टीडीएस काटना भूल गए गलती से, मतलब इनको लग रहा था कि टीडीएस कटेगा नहीं, इनको लग रहा था कि टीडीएस नहीं कटेगा करके, ठीक है, इनको लग रहा था कि टीडीएस नहीं काटना है, बट गलती थी इनका, ये मतलब देख रहे थे कि टीडीएस काटना है नहीं काटना, बाद में पता चला टीडीएस काटना था, उन्होंने टीडीएस लेट काटा। तो और ये लोग बोलते हैं हमारा इंटरेस्ट माफ कर दो 2011A का, 2011A ये लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट है, ये माफ कर दो, क्या ये माफ हो सकता है, आंसर इज नो, ये मैंडेटरी इंटरेस्ट है करके, ठीक है, ये मैंडेटरी इंटरेस्ट है, आपको ये लगेगा ही लगेगा करके, ठीक है, आपको ये माफ नहीं होगा। जैसे आपकी पेनल्टी जो होती है 221 की, अगर विलफुल डिफॉल्ट नहीं है तो पेनल्टी माफ हो सकती है, ये इंटरेस्ट तो आपको लगेगा, इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जो भी 2011A में दे रखा है पूरा वहां पे आप नीचे सन आउटसोर्सिंग का जो केस लॉ है वहां तक आप इसको रीड कर लीजिए, वहां तक आप उसको रीड कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर इसका 8 करके है, आप घर पे जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप घर पे जाके देख सकते हैं।
चलिए डन डन। अब एक बात समझिए, पूर्वी ऐसा नहीं होगा ना, पूर्वी बोलती है कि सर 2000 पे और इंटरेस्ट लगना चाहिए ना 1.5% की रेट से। नहीं ऐसा नहीं होता, 1.5 देख 1.5% आपका जो डिफॉल्ट है उसमें इसीलिए तो ज्यादा ले रहे हैं 1.5%, तो 2000 पे और 52 पे नहीं लगना चाहिए, 50 पे ही लगेगा। चलिए डन। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है टीसीएस। टीसीएस बाकी आप छोड़ दीजिए, टीडीएस में कल पढ़ेंगे अपन। एक काम करते हैं, अभी अपन पढ़ना चालू करते हैं एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल योर टीसीएस। टीसीएस का मतलब यहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से नहीं है, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स दैट इज टीसीएस। आप में से बहुत सारे लोगों को टीसीएस के बारे में पता नहीं होगा क्योंकि आपने ऑफिस में टीडीएस तो देखा है बट आज तक आपने टीसीएस नहीं देखा होगा। आपके ऑफिस में आपने टीडीएस तो देखा है बट आपने टीसीएस नहीं देखा होगा। ये टीसीएस कहां लगता है? टीसीएस है वो, टीसीएस कहां लगता है? अच्छा टीसीएस जीएसटी में भी है क्या? अच्छा वेरी गुड, मेरे को आइडिया नहीं। तो चलिए टीसीएस क्या है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, ये कहां लगता है? ये कुछ कुछ केसेस में लगता है, ऐसे हर जगह नहीं लगता, ये कुछ कुछ केसेस में लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक वाइन की दुकान है जिसका नाम है फॉर एन एग्जाम्पल प्रतीक वाइन। प्रतीक खुद का ही नाम है ना भाई, पापा का नाम तो नहीं तो बोलेगा ऐसे पापा के नाम पे वाइन की दुकान खुलवा ली तुमने करके, ठीक है प्रतीक खुद का ही नाम है ना। हाँ क्योंकि उसमें क्या होता है, नाम मेरे को दिखता है, कभी हो सकता है वो मिडल नेम लिखा और वो ही मुझे दिख गया। तो चलिए एक काम करते हैं, एक दुकान है वाइन की जिसका नाम है प्रतीक वाइन, और ये प्रतीक वाइन है, ये मान लो दिल्ली में एक दुकान है, दिल्ली में एक दुकान है प्रतीक वाइन। अब एक बात समझना, ये जो प्रतीक वाइन है ये क्या करती है? वाइन्स खरीदती है और मेरा ही है, चलो बढ़िया। प्रतीक वाइन्स ये क्या करती है? वाइन खरीद के लोगों को बेचती है। जो भी बेवड़े लोग होते हैं वो बेवड़े लोगों को वाइन वगैरह ये लोग बेचते हैं। अब एक बात समझना, इन्होंने वाइन खरीदी वो किससे खरीदते हैं? इंडिया में जैसे सूला वाइन्स करके है, सूला वाइन्स, सूला विनियार्ड्स करके कंपनी है सूला वाइन्स, और सूला वाइन से वो वाइन बेचते हैं। अब एक बात समझना, सूला वाइन है ये प्रतीक वाइन्स को वाइन बेच रहे हैं और ये प्रतीक वाइन किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा मार्केट में। अब हुआ क्या, जब ये सूला वाइन वाले इनको जब वाइन की सेल करेंगे, मीन्स एल्कोहलिक लीकर की सेल करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल यहां सूला वाइन वाले सेल कर रहे हैं और परचेस कौन कर रहा है? प्रतीक वाइन से ये परचेस कर रहा है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि यहां पे जब ये प्रतीक वाइन वाला परचेस कर रहा है और परचेस कर रहा है तो यहां पे बिल जो आएगा ना, बिल बिल में जैसे 1,00,000 रुपए का वाइन का बिल है तो उसमें बेटा 1% की रेट से टीसीएस भी ऐड होगा और 1,000 रुपीज टीसीएस आएगा और यहां पे 1,00,000 और 1,000 रुपीज है वो सूला वाइन्स वाले कलेक्ट करेंगे। तो सूला वाइन वालों ने प्रतीक वाइन से क्या किया, सूला वाइन वाले जो है उन्होंने प्रतीक वाइन को सेल किया अल्कोहलिक लीकर, तो सेल किया 1,00,000 का, लेकिन उसके साथ साथ में ये क्या करेंगे, 1,00,000 तो कलेक्ट करेंगे ही क्योंकि प्रतीक वाइन 1,00,000 पेमेंट करेगा, तो 1,00,000 के साथ साथ में ये 1,000 रुपीज है उनका टीसीएस भी, प्रतीक वाइन का टीसीएस कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। तो कुल मिला के टोटल जो कलेक्शन होगा वो 1,00,000 और 1,000 रुपीज होगा। तो सिंपली मैं बताऊं टीसीएस क्या होता है, कि जो सेलर होता है ना वो सेलर क्या करता है, बायर से जो पेमेंट कलेक्ट करेगा, जो भी बिल का अमाउंट होता है बिल और उसमें है वो टैक्स जोड़ के देता है और उस अमाउंट को कुछ कलेक्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, सिंपल वर्ड में बता दूं कि सेलर क्या करता है, बायर से कुछ ना कुछ अमाउंट कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करा देता है, दैट इज द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करके, ठीक है। अब एक बात समझते हैं,
सर ये टीसीएस कॉन्सेप्ट कहां कहां पे लगता है? क्या हर जगह टीसीएस लगता है? हर सेल एंड परचेज पे टीसीएस लगता है? आंसर इज नो, हर सेल पे टीसीएस नहीं लगता, कुछ कुछ इसकी स्पेसिफिक सेक्शन है वहां पे टीसीएस लगता है। कहां कहां पे लगता है तो देखना। सबसे पहले जो टीसीएस की सेक्शन है ना, वो सेक्शन है 206C करके, तो इस सेक्शन को हम बोलेंगे 206C करके। अब ये 206C की सब सेक्शन 1 सबसे पहले, और सब सेक्शन 1 है वो यहां पे कुल मिला के 5 आइटम की बात करते हैं। 5 आइटम कौन कौन सी? सबसे पहला आपका एल्कोहलिक लीकर, जो एल्कोहलिक लीकर होता है, एल्कोहलिक लीकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, मीन्स बेवड़े लोगों के पीने का दारू, एल्कोहलिक लीकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर 1% की रेट से टीसीएस है। एल्कोहलिक लीकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, इसमें 1% की रेट से टीसीएस है। दूसरा तुम्हारा तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स का मतलब होता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीड़ी पत्ता, जिसमें बीड़ी बनती है ना, बीड़ी समझते हो ना, वो वाली बीड़ी करके, ठीक है। तो जो बीड़ी होती है, वो बीड़ी जिस पत्ते में बांधते हैं, वो पत्ता जो होता है उसको बोला जाता है तेंदू लीव्स। तो तेंदू लीव्स है, तेंदू लीव्स के केस में आपका टीसीएस है वो 5% रहेगा। तेंदू लीव्स के केस में आपका जो टीसीएस है वो टीसीएस 5% रहेगा। तेंदू लीव्स के बाद में जो तुम्हारा टिम्बर होता है, टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अगर कोई भी टिम्बर है एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीसीएस है वो 2.5% रहेगा, 2.5%। एंड उसके बाद में जो स्क्रैप होता है, स्क्रैप, स्क्रैप मतलब भंगार बोलते हैं हम लोग करके, ठीक है, जो स्क्रैप होता है, स्क्रैप केस में टीसीएस की रेट है वो 1% है। एंड उसके बाद में जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स कौन से पता है? या तो कोल है, या फिर लिग्नाइट है, या आयरन ओर है। तो कोल, लिग्नाइट एंड आयरन ओर, वहां पर टीसीएस की रेट है वो 1% रहेगी। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं बताऊं, टीसीएस सेक्शन 206 शिवाजी बीडी, हाँ शिवाजी बीडी, ठीक है, 206C सब सेक्शन वन है, वो 5 प्रोडक्ट का जिक्र करती है, 5 प्रोडक्ट का जिक्र करती है कि ये 5 प्रोडक्ट पे टीसीएस आएगा। अब ये 5 प्रोडक्ट कौन कौन से है? तो सबसे पहला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बेवड़े लोगों के पीने का दारू। दूसरा तेंदू लीव्स मीन बीड़ी पत्ता। तीसरा टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। चौथा स्क्रैप, और पांचवा मिनरल्स, दैट इज द आपका कोल, लिग्नाइट एंड आयरन ओर। ये 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें टीसीएस आएगा। रेट क्या रहेगी? तो रेट आप ऐसे याद रख सकते हो कि बीड़ी है ना 5 रुपए में मिलती है आपको, पता है ये बीड़ी जो है ना वो संभाजी बीड़ी, ठीक है, लंगर बीड़ी एक आता है करके, ठीक है, 30 नंबर बीड़ी गांव में, हमारे गांव में बिकती है। तो वो जो बीड़िया है वो 5 रुपए में मिल जाती है, तो उस पे 5% बीड़ी जो है वो 5%। दुर्गा बीड़ी भी है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दुर्गा बीड़ी। तो चलिए, तो जो बीड़ी होती है ना वो 5 रुपए में मिलती है, 5 रुपीज में। सो दैट्स वाई फॉर द तेंदू लीव्स देयर इज अ 5%। उसके बाद टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उस पे 2.5%। उसके बाद अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप एंड मिनरल, दैट इज कोल, लिग्नाइट एंड आयरन ओर, उस पे 1% की रेट से टीसीएस आएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, तेंदू लीव्स पे 5%, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे 2.5%, एंड आफ्टर दैट स्क्रैप है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, एंड मिनरल दैट इज द कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर है, उस पे आपका जो टीसीएस रहेगा वो टीसीएस 1% की रेट से रहेगा। अब एक बात समझना, टीसीएस में टीसीएस कलेक्ट कौन करेगा? सेलर कलेक्ट करता है। मतलब जैसे तेंदू लीव्स बेचेगा तो सेलर जो रहेगा वो सेलर कलेक्ट करेगा बायर से, बायर से सेलर कलेक्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्या सेलर कोई भी सेलर है तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा? कोई भी जो सेलर है वो सेलर को क्या टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा? राइट आंसर इज, देखो बीबी सर की बीवी है, वो मान लो ये अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेच रही है, या तेंदू लीव्स बेच रही है, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट स्क्रैप बेच रही है, क्या मेरी बीवी के लिए ये पॉसिबल है? आंसर इज नो, मेरी बीवी के पास 10 नंबर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में सेलर कौन होगा इस सेक्शन में? एनी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज लाइक लास्ट ईयर टर्नओवर वाज नॉट मोर देन 1 करोड़ और ग्रॉस रिसीट वाज नॉट मोर देन 50 लाख। तो उस इंडिविजुअल एचयूएफ को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। मींस यहां पे सेलर है वो सेलर कलेक्ट करेगा, सेलर इज एनी पर्सन, बट सेलर में बीबी सर की वाइफ को आप छोड़ दीजिए, बीबी सर की वाइफ है वो भैया सेलर है, तो टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। दूसरा बायर कौन होगा? बायर कोई भी हो। लेकिन एक बात समझना, कुछ बायर ऐसे हैं जहां टीसीएस नहीं आएगा। कहां कहां पे टीसीएस नहीं आएगा? पहला तो अगर ये प्रोडक्ट है ना वो आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो, आप अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो तो टीसीएस नहीं आएगा। जैसे पर्सनल कंजम्पशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, आप गए किसी दारू की दुकान पे, और दारू की दुकान पे जाके
दारू की दुकान पे गए आप और दारू की दुकान पे जाके आपने 100 रुपीज का मान लो कुछ दारू लिया, मुझे पता नहीं कहां मिलता है, आई नेवर लाइक परचेज द दारू, बट मान लो दारू की दुकान पे आप गए और वहां पे जाके आपने एक पौवा लिया करके, ठीक है, और वो उसके लिए आपने उसको 200 रुपए दिए, तो क्या 200 रुपए में आपको 2 रुपया टीसीएस भी साथ में देना पड़ेगा, क्या वो आपसे मांगेगा पेन नंबर दे एंड ऑल क्या करके, ठीक है, क्या बायर, आंसर इज नो। तो बायर अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में टीसीएस नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली टीसीएस यहां पे कहां पे आएगा, ये जितने भी प्रोडक्ट है उनके केस में टीसीएस आएगा जहां पे बेसिकली होलसेल में सेल हो रहा है, रिटेल सेल पे टीसीएस नहीं आएगा, रिटेल सेल पे टीसीएस नहीं आएगा, जो होलसेल में सेलिंग हो रही है वहां पे टीसीएस आता है, रिटेल सेल में टीसीएस नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी खरीदती है तो भी टीसीएस नहीं आएगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कोल इंडिया करके है, अब ये कोल इंडिया जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है, अब कोल इंडिया जो कोल खरीदेगी तो टीसीएस नहीं आएगा। अगर कोल इंडिया कोल खरीदती है तो उस पर्टिकुलर केस में टीसीएस नहीं आएगा। आप बोलोगे सर टीसीएस क्यों लाया, सिर्फ ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए, सिर्फ ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने के लिए या ट्रैक करने के लिए टीसीएस लाया गया, जिससे पता चले कि जैसे मान लो ये बंदा जो था प्रतीक वाइन, वो कितना दारू खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है वो तो पता चले, तो फिर बेच कितने में रहा होगा हमको पता चल जाएगा, तो कितने का दारू खरीद रहा है वो पूरा रिकॉर्ड में आ जाएगा क्योंकि उसका टीसीएस कलेक्ट हो रहा है करके, ठीक है, तो इसके लिए। बट अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी खरीदती है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, उसको ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो मैंने क्या बोला, देखिए इसमें सेलर कौन होना चाहिए, कोई भी सेलर चलेगा बट बीबी सर की वाइफ को छोड़ के। बायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन, बट अगर कोई पर्सन पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है वहां टीसीएस नहीं आएगा। दूसरा, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी खरीद रही है तो टीसीएस नहीं आएगा। तीसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है, स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है, कोई एम्बेसी या हाई कमीशन खरीद रहा है, ये जो एम्बेसी वाले हैं वो खरीद रहे हैं, हाई कमीशन वाले खरीद रहे हैं करके, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट खरीद रही है अल्कोहलिक लीकर वगैरह, तो उस पर्टिकुलर केस में टीसीएस नहीं आएगा। एज वेल एज द जो तुम्हारे क्लब्स वगैरह होते हैं, क्लब का मतलब वो क्लब नहीं जो जिसको आप समझ रहे हो, वो क्लब नहीं, क्लब का मतलब होता है जो आपने देखा होगा जैसे लायंस क्लब है करके, ठीक है, जो लायंस क्लब वगैरह है वो अगर मान लो ये खरीदते हैं तो उस पर टीसीएस नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला कि पहली चीज तो टीसीएस कब नहीं आएगा, जब बायर जो है वो या तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, या फिर बायर जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी या हाई कमीशन है करके, ठीक है, उसके साथ में आपके क्या बोलते हैं दैट इज द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन है, या फिर आपके क्लब वगैरह है वो खरीदते हैं, तो इस सेक्शन में टीसीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी पर्सन है वो पर्सन ये गुड्स को खरीदता है, ये गुड्स को खरीदता है और वो ये डिक्लेरेशन देता है कि मैं ये गुड्स को किसी और गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाला हूं, मतलब जो ये प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं ये मैं किसी और के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाला हूं और ये डिक्लेरेशन दे देता है सेलर को, तो बेटा सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई भी बायर है, वो बायर इन गुड्स को खरीद के किसी और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, किसी और प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाला है और वो ये डिक्लेरेशन दे देता है, तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए मान लो, या जैसे प्रतीक बोल रहा है कि कप सिरप के लिए अल्कोहलिक लीकर यूज होता है, तो एग्जांपल के लिए मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है रेनबेक्सी। रेनबेक्सी क्या करती है कि रेनबेक्सी मान लो कोई मेडिसिन बनाती है, उसके लिए अल्कोहलिक लीकर चाहिए था, तो वो गए सुला वाइन के पास और सुला वाइन से उन्होंने अल्कोहलिक लीकर खरीदा और उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया कि हम इसको मेडिसिन में यूज करने वाले हैं, मेडिसिन बनाने में यूज करने वाले, किसी और प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर में टीसीएस नहीं आएगा करके, ठीक है। लेकिन यहां पे क्लेरिफिकेशन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने लाया कि चलो यहां टीसीएस नहीं आएगा, लेकिन बायर जो है उसको टीडीएस कलेक्ट, टीडीएस काटना पड़ेगा, यानी अंडर सेक्शन 194Q करके एक सेक्शन होती है, 194Q में टीडीएस काटना पड़ेगा, भले यहां टीसीएस नहीं आ रहा है बट टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q में, क्योंकि पहले क्लेरिफिकेशन क्या था कि टीसीएस आ रहा है तो टीडीएस नहीं आएगा। यह आगे मैं जाके आपको कल मैं इंटरलिंक कराऊंगा कहां का टीडीएस टीसीएस के इंटरलिंकेज है, तो वो मैं कल कराऊंगा, बट मैं आपको बताऊं यहां पर मैंने लिखा हुआ है बुक में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि भैया अगर मान लो टीसीएस तो नहीं आएगा बट टीडीएस यहां पे आता है तो टीडीएस आएगा अंडर सेक्शन 194Q करके, ठीक है, क्यों क्या है वो अपन कल पढ़ेंगे। अब एक और चीज समझना, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, स्क्रैप का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो जाके एज इट इज यूजेबल नहीं है, मतलब स्क्रैप किसको बोलते हैं, स्क्रैप का मतलब यू कैन से दैट द कचरा या भंगाड़ करके, ठीक है, जो एज इट इज यूज नहीं होने वाली, मींस आप उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप, मींस उसको एज
इट इज यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल एज सच आप उसको यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल योर स्क्रैप। अब हुआ क्या, केस लॉ आया, दैट इज द प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 2016 गुजरात हाईकोर्ट का। अब एक बात समझना, वहां पे क्या हुआ कि प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये लोग क्या करते थे, शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी में थे। शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी क्या होती है कि एक बड़ा सा शिप रहता है, उसको तोड़ा जाता है और उसको तोड़ने के बाद उसके बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो लोगों को बेच दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब शिप पुराना हो जाता है, तो शिप पुराना होता है तो बहुत सारी कंपनियां ये काम करती है कि उसको शिप ब्रेक करती है और वहां पे उसमें से जो सामान निकलता है वो बेचा जाता है। अब एक बात समझना, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी आइटम बेची, जैसे एसी निकल गया, एक एग्जांपल ले रहा हूं एसी का, कि शिप में एसीज रहते हैं, अब वो एसीज वहां पे निकल गया, वो एसीज को आपने बेच दिया। अब वो एसी मान लो हम खरीदने चले गए बीबी वर्चुअल वाले, हमने क्या किया वो एसी को लाके हमारे ऑफिस में लगा लिया, तो हम तो उसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो एज इट इज जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो क्या ये स्क्रैप में आएगा, क्या इसमें टीसीएस आएगा? आंसर इज नो, इसमें टीसीएस नहीं आएगा, क्योंकि यहां गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि ये स्क्रैप नहीं है। स्क्रैप उसको बोलते हैं जिसको आप खरीदने के बाद एज इट इज यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल योर स्क्रैप, ये तुम्हारे स्क्रैप में नहीं आएगा। 206C सबसेक्शन 1 में जो भी दे रखा है वो पूरा पढ़ लो, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस लॉ के तक जो भी दे रखा है उसको आप एक बार रीड करिए। डन पीपल, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन आती है, दैट इज द सेक्शन 206C 1C। ये 1C जो सेक्शन है ये क्या बोलती है कि अगर आप किसी को पार्किंग लॉट है, पार्किंग लॉट मींस पार्किंग का जो स्पेस होता है वो, या फिर टोल प्लाजा या फिर माइन और क्वेरी, माइन या क्वेरी, ये आप लीज पे देते हो, अगर आप पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा या माइन एंड क्वेरी है, ये किसी को आप लीज पे देते हो, तो यहां पे बेसिकली बात हो रही है लीज की। आप उसका लीज एंड लाइसेंस देते हो, लीज पे देते हो, तो आगे वाले का आपको 2% की रेट से टीसीएस भी कलेक्ट करना है। आगे वाले का आपका 2% की रेट से आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। जैसे माइंस किसी को दी जाती है लीज पे, आपने सुना होगा कि जैसे कोल माइंस होती है करके, ठीक है, आयरन माइंस होती है, तो जो माइंस होती है ये माइंस आप किसी को लीज पे देते हो, या फिर आपने किसी को टोल प्लाजा लीज पे दे दिया, या फिर आपने क्या दिया कि आपका जो क्या बोलते हैं पार्किंग लॉट आपने किसी को लीज पे दे दिया,
तो भैया आगे वाले से आप जो है वो जब भी जो लाइसेंसर होता है वो लाइसेंसर लाइसेंसी से क्या करता है, अमाउंट कलेक्ट करता है, जो उसका रेंट रहेगा, लीज रेंट रहेगा वो कलेक्ट करेगा, उसके साथ साथ 2% टीसीएस भी कलेक्ट करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे एक डीएलएफ मॉल है करके, ठीक है, डीएलएफ मॉल। अब ये जो मॉल है इस मॉल में पार्किंग भी है। अब ये पार्किंग जो है ना वो डीएलएफ मॉल खुद नहीं चलाता है, ये पार्किंग किसी दूसरी कंपनी को दे दी है। वो पार्किंग जो मैनेज करता है वो दूसरी कंपनी मैनेज करता है, लोगों से 40-50 रुपए इकट्ठे करता है और भैया डीएलएफ मॉल को एक साथ में कोई रेंट दे देता है। अब एक बात समझना, डीएलएफ मॉल ने अपना जो पार्किंग लॉट है वो किसी को भाड़े पे दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए मान लो हरी लिमिटेड को, और हरी लिमिटेड क्या करता है हर महीने इनको भाड़ा देता है, हर महीने फॉर एन एग्जाम्पल इनको 5 लाख रुपए का भाड़ा देता है डीएलएफ मॉल को, और पार्किंग लॉट जो चलाता है वो डीएलएफ मॉल चलाता है, उससे कमाता है, लोगों से 40-50 रुपए ऐसे पार्किंग का पैसा लेता है और हर महीने डीएलएफ मॉल को 5 लाख रुपए दे रहा है। तो ये 5 लाख रुपए जो देगा ना, इसके साथ में इनको अपना टीसीएस भी देना पड़ेगा 2% की रेट से, और 2% की रेट से जो है वो टीसीएस भी है, वो टीसीएस डीएलएफ मॉल कलेक्ट करेगी हरी लिमिटेड से। तो यहां पे जो भी तुम्हारा लाइसेंसर है, लाइसेंसर मतलब जिसने लाइसेंस दिया है, वो क्या करेगा, लाइसेंसी से उसका टीसीएस है वो 2% कलेक्ट करेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि हरी लिमिटेड टीडीएस भी तो कलेक्ट करेगा, इट इज अ रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो टीडीएस भी आएगा। आंसर इज यस, आएगा टीडीएस भी आएगा यहां पे। तो ये हरी लिमिटेड क्या करेगा, टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 194 आई, क्योंकि रेंट दे रहा है, और बेटा ये डीएलएफ मॉल क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा 2% की रेट से। तो कुल मिला के ये सेक्शन क्या है, 206C सब सेक्शन 1C है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई लाइसेंसर है किसी को पार्किंग लॉट भाड़े पे देता है, टोल प्लाजा देता है, या फिर माइन एंड क्वेरी देता है, तो उसको लीज पे देता है, भाड़े पे देता है, तो उस पे 2% की रेट से आगे वाले का टीसीएस कलेक्ट करना है। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे सर लाइसेंसर कौन होगा, मिस कलेक्टर कौन होगा, जो पर्सन अपन ने वहां देखा था बीबी सर की वाइफ को छोड़ के, अगर बीबी सर की वाइफ है उसको छोड़ के बाकी सब लोगों को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्टी कौन होगा, किसने भाड़े पे लिया, एनी पर्सन अदर देन द पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी को छोड़ के बाकी से टीसीएस कलेक्ट करना होगा। यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि माइंस एंड क्वेरी में सब चीजें इंक्लूड होगी, एक्सक्लूड करके, ठीक है, आपकी जो मिनरल ऑयल की माइंस होती है उसको छोड़ के, मींस जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस की माइन है वो यहां पे कवर नहीं होती, मींस यहां पे माइंस जो कवर होती है वो नॉर्मली कोल की माइन है करके, ठीक है, या स्टोन की माइन है, पत्थर की माइंस है, वो माइंस एंड क्वेरी है वो यहां पे कवर होगी। तो 206C1C है, एक बार आप रीड कर लीजिए, आज तक एग्जाम में तो कभी आया है नहीं, रीड कर लीजिए। बच्चा बोल रहा है आपको ठंड नहीं लगती, मुंबई में ठंड नहीं पड़ती, पता एक ही तो सुकून है कि मुंबई में ठंड नहीं पड़ती, 365 डेज यहां पे एसी चलते रहते हैं। चलिए अब अपन एक और सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज द 206C का सब सेक्शन 1F करके, 206C सब सेक्शन 1F, 206C सब सेक्शन 1F। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल बेचते हैं, कोई भी मोटर व्हीकल बेचते हैं और सेलर मोटर व्हीकल बेच रहा है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, तो उस पर आपको 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर मोटर व्हीकल आप सेल करते हैं और मोटर व्हीकल की वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा।
इसको आप एफ को ऐसे याद रख सकते हैं फरारी करके, ठीक है, फरारी कार आती है, हाई वैल्यू कार आती है। तो अगर कोई ऐसी मोटर व्हीकल है और मोटर व्हीकल सेल किया जिसमें वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। लेकिन इसमें एक सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन यह है कि इसमें जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो रिटेल लेवल पे होगा, होलसेल लेवल पे नहीं होगा। यहां रिटेल लेवल पे टीसीएस कलेक्ट होगा, होलसेल लेवल पे नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कंपनी है जिसका नाम है बीएमडब्ल्यू इंडिया करके, बीएमडब्ल्यू इंडिया एक कंपनी है। अब एक बात समझना, बीएमडब्ल्यू इंडिया क्या करती है, बीएमडब्ल्यू की कार है वो डीलर को बेचती है। पहले डीलर में एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुंबई में एक है दैट इज द नवनीत मोटर्स करके। अब ये नवनीत मोटर्स है, नवनीत मोटर्स, और नवनीत मोटर्स क्या करता है, बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां खरीदता है बीएमडब्ल्यू इंडिया से। और नवनीत मोटर क्या करता है, कस्टमर को बेचता है। जैसे मान लो एक बंदा है मिस्टर बीबी और मेरे को इन्होंने कार बेची। अब इन्होंने जो कार खरीदी होगी वो बीएमडब्ल्यू इंडिया से खरीदी और फिर नवनीत मोटर ने कस्टमर को बेच दी, तो यहां पे जो टीसीएस है ना वो यहां पे टीसीएस नहीं आएगा, यहां पे टीसीएस नहीं आएगा। टीसीएस है वो यहां पे आएगा, इस पर्टिकुलर केस में टीसीएस आएगा मैं सिर्फ रिटेल सेल पे टीसीएस आता है, होलसेल सेल पे यहां पे टीसीएस नहीं आता, मीन्स यहां पे टीसीएस नहीं आएगा, यहां पे टीसीएस आएगा। बट टीसीएस तभी आएगा जब आपका जो सेल वैल्यू है ना वो सेल वैल्यू आपका 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो टीसीएस आएगा, अदरवाइज टीसीएस नहीं आएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर इसमें सेलर कौन होना चाहिए, सेलर कोई भी, बीबी सर की वाइफ को छोड़ के, बिकॉज बीबी सर की वाइफ है वो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकती, उसके पास 10 नंबर नहीं है, वो कंप्लायंस नहीं कर सकती। तो बीबी सर की वाइफ को छोड़ के कोई भी सेलर है तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, बायर कौन होना चाहिए, तो कोई भी पर्सन बायर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पर्सन बायर है उसका टीसीएस कलेक्ट होगा। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है। पहला क्या, कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी मोटर व्हीकल खरीदती है और वो पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर कैरिंग ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में है, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है और वो मोटर व्हीकल खरीदती है और वो पैसेंजर कैरिंग के बिजनेस में है तो टीसीएस नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताओ, महाराष्ट्र में जो बसें चलती है वो बेस्ट की बसें चलती है, दिल्ली में जो बसें चलती है वो डीटीसी की बसें चलती है, आपके वेस्ट बंगाल में जो बस चलती होगी वो वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की बस चलती है, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। वो क्या करते हैं, अगर वो मोटर व्हीकल खरीदते हैं ना तो टीसीएस नहीं आएगा। मीन्स कोई भी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरिंग पैसेंजर, उस बिजनेस में है तो उस पर्टिकुलर केस में टीसीएस नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर केस में टीसीएस नहीं आएगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, दूसरा, अगर गवर्नमेंट खरीद रही है मोटर व्हीकल, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है, या फिर कोई एम्बेसी खरीदती है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, वो खरीदते हैं, या फिर लोकल अथॉरिटी खरीदती है तो टीसीएस नहीं आएगा। यहां पर लोकल अथॉरिटी का मतलब, जैसे आपके मुंबई में हमारे बीएमसी है, तो बीएमसी क्या करती है, वो कचरे के व्हीकल वगैरह खरीदती है, दैट इज आल्सो कवर्ड एज मोटर व्हीकल। आपको पता है वो घर पे जो आता है गली में तो वो एक गाना बजता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उसके लिए उनको वो गाड़ियां खरीदनी पड़ती है, वहां पर टीसीएस नहीं आएगा। तो देखिए इसमें सेलर कौन होगा, एनी पर्सन, बीबी सर की वाइफ को छोड़ के। बायर कौन होगा, बायर इज एनी पर्सन, बट किसके कहां का टीसीएस नहीं आएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन खरीद रहा है, या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी खरीद रही है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर के बिजनेस में है, या लोकल अथॉरिटी खरीद रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीसीएस नहीं आएगा। अब आप बोलोगे कि सर क्यों यहां पे, क्या यहां पे ऐसा क्यों बोला होलसेल में नहीं आएगा, क्योंकि होलसेल, देखो यहां पे एक्चुअली एग्जैक्टली ये सेक्शन क्यों लाई थी कि जो लोग हाई वैल्यू मोटर व्हीकल खरीद रहे थे, हाई वैल्यू मोटर व्हीकल उनको ट्रैक करने के लिए ये टीसीएस की सेक्शन लाई थी। तो नॉर्मली जो कस्टमर लेवल पे बेचा जाता है रिटेल सेल में, यहीं पर पकड़ा जाएगा। अब एक चीज समझना सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या सर यहां पे ये सेक्शन जो है वो सिर्फ हाई वैल्यू मोटर व्हीकल के केस में ही लगेगी। आंसर इज हाई वैल्यू से मतलब नहीं, यहां पे ये सेक्शन लगेगी जब 10 लाख से ज्यादा की आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं। अब वो मोटर व्हीकल हाई वैल्यू है मतलब लग्जरी है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नॉट नेसेसरी के दैट इट इज अ लग्जरी करके, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मोटर व्हीकल है वो लग्जरी होना चाहिए। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि आपने मान लो एक टाटा की गाड़ी खरीदी और टाटा की आपने एक टाटा की नेक्सॉन करके गाड़ी खरीद ली,
अब टाटा नेक्सॉन है, वो टाटा नेक्सॉन भी 14 लाख की है, तो इस पर्टिकुलर केस में भी क्या टीसीएस आएगा? आंसर इज यस, इस पर्टिकुलर केस में भी टीसीएस आएगा, इस पर्टिकुलर केस में भी टीसीएस आएगा। मीन 10 लाख से ज्यादा का कोई भी मोटर व्हीकल है तो टीसीएस आएगा। लेकिन एक बात समझना सर, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं 10 लाख से ज्यादा का, लेकिन क्या ये जरूरी है कि भाई ये पूरे साल का मिला के 10 लाख से ज्यादा है या ईच सेल 10 लाख से ज्यादा है? ईच सेल 10 लाख से ज्यादा है या पूरे साल का मिला के 10 लाख से ज्यादा है? राइट आंसर इज ईच सेल देखा जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल हुआ क्या कि मान लो एक टाटा करके, टाटा मोटर्स की मैं गाड़ी खरीदता हूं, पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी मान लो 16 जुलाई 2022 को, और मैंने गाड़ी खरीदा उसका वैल्यू था 8 लाख, उसका वैल्यू है वो 8 लाख था। अब इस पे टीसीएस नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वापस क्या किया थोड़े दिन के बाद वापस से मैंने एक और गाड़ी खरीदी, और वो मैंने 19 दिसंबर 2022 को खरीदी, और वो मैंने 9 लाख की खरीदी, तो क्या टीसीएस आएगा? आंसर इज नो, यहां टीसीएस नहीं आएगा। मींस यहां पे ईच सेल देखी जाएगी, ईच सेल देखी जाएगी, ईच सेल देखी जाएगी करके, ठीक है कि भैया आपकी जो ईच सेल जो है वो ईच सेल देखी जाएगी, ईच सेल कितनी है वो आपकी देखी जाएगी करके, ठीक है। और मोटर व्हीकल है, वो मोटर व्हीकल के केस में यहां पे टीसीएस आएगा। अब आप बोलोगे सर 10 लाख कौन से अमाउंट लिया जाएगा? 10 लाख क्या आपका जीएसटी इंक्लूड होगा या नहीं? आंसर इज यस, जीएसटी और लग्जरी टैक्स इंक्लूड होता है, एक्सक्लूडिंग द आपके आरटीओ के चार्जेस, इंश्योरेंस वगैरह है उसको छोड़ के। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मोटर व्हीकल है उसकी वैल्यू 8 लाख थी, अब उसमें जीएसटी लगा 2 लाख का फॉर एन एग्जांपल, उसमें लग्जरी टैक्स लगता है वो मान लो लगा 1 लाख का, तो यहां पे टोटल 11 लाख हुआ, तो 11 लाख पे टीसीएस है वो लिया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना टीसीएस हमेशा इंक्लूडिंग ऑफ द जीएसटी पे आता है, बट जो आपके आरटीओ के चार्जेस होते हैं, बहुत बार क्या होता है आरटीओ के चार्जेस लगेंगे, इंश्योरेंस के चार्जेस लगेंगे, तो आरटीओ मतलब रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ऐसे ही होता है रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उसके जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस छोड़ के बाकी वाले जो चार्जेस रहते हैं ना, बाकी वाला जो कॉस्ट होता है, इस कॉस्ट पे आपका टीसीएस 1% की रेट से आएगा। चलिए आप एक काम करिए, इसको एक बार 1F को आप देख लीजिए, और उसके 3 नोट दे रखे, वो 3 नोट को भी आप एक बार देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वेदर टीसीएस एप्लीकेबल? आंसर इज यस शशिकांत, इट इज एप्लीकेबल। किसी ने बोला टीसीएस का रिफंड मिलता है क्या? आंसर इज यस, टीसीएस का रिफंड मिलेगा ना, इट इज लाइक अ टीडीएस ओनली, इसका क्रेडिट मिलेगा आपको, रिफंड ले सकते हो। जैसे मैंने गाड़ी खरीदी उस पर टीसीएस आया था, तो टीसीएस आया था तो टीसीएस का रिफंड मिलेगा, मैंने मेरे रिटर्न में उसको क्लेम किया रिफंड, टीसीएस का रिफंड। हाँ मतलब मैं टैक्स मतलब क्लेम रिफंड तो नहीं किया, मतलब टैक्स भरना ही आया था तो एडजस्ट किया उसके साथ। ये लीगेशन एंड कॉन्सुलेट्स का मतलब क्या होता है? मीनल कॉन्सुलेट का मतलब क्या होता है? जैसे एम्बेसी तो एक ही होती है। मृदुल आपके क्लासेस में इश्यू आ रहा है, दैट इज फ्रॉम योर साइड, मेरी साइड से नहीं है बेटा। वैल्यू एफएमवी क्यों लेना है? बिलिंग वाला लेना है ना अंबु, जो बिलिंग रहेगा उस पर 1% टीसीएस आएगा, जो बिलिंग रहेगा उस पर आएगा ना। बोले आपने कौन सी कार खरीदी? मैंने अभी 6 महीने पहले एक ऐसी कार खरीदी, लोग बोलेंगे यार ऐसी कोई कार खरीदते होंगे, बट क्या है मेरा शौक है। चलिए किसी ने बोला बाइक इसमें आएगी या नहीं? मोटर व्हीकल में, बिकॉज लॉ मेकर्स यूज द वर्ड मोटर व्हीकल, आई हैव टू चेक, एक बार चेक करना पड़ेगा बाइक इसमें आएगी या नहीं। 10 लाख से ज्यादा की है, कौन सी कार खरीदी? मैंने 6 महीने पहले, मेरे पास है ऐसे एक कार और, बट मैंने हाइलक्स करके एक कार है वो खरीदी, हाइलक्स इज नॉट अ कार, इट इज अ पिकअप ट्रक करके, ये ट्रक है वो खरीदी रेड कलर में। आप बोलोगे मैं बताऊं हाइलक्स कैसी लगती है, मैं आपको यहां बताऊं ना, लोग बोलते हैं कि यार ये क्या इसलिए लाई, आपने कोई बिजनेस चालू किया है क्या करके, ठीक है। तो दिस इज द हाइलक्स,
दिस इज द कार हाइलक्स, इसमें एक्चुअली दिस इज द पिकअप ट्रक जैसा है, जिसमें पीछे जगह वगैरह रहती है। ये टोयोटा की एक कार है। क्या करते हो इसका? कुछ नहीं। क्या करते हो? मैं जब फ्री होता हूं तो मैं घूमने जाता हूं यार, मेरे को ऐसे घूमने का बड़ा शौक है, ऐसे कहीं ऐसे ड्राइव वगैरह पे जाने का। चलिए, घर वाले बोलते क्यों लाई है? मैंने कहा ऐसे ही, ऐसे ही, मतलब उनको लग रहा है, मैंने उनको फिर समझाया, मैंने कहा बुक ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाई है, हम लोग है ना बुक ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाई है। चलो, तो ये बोल रही है कि मैं तो आपको रोज स्कूटी पे देखती हूँ, कार का झूठ बोल रहे हो। अरे कार लेके यहाँ कहाँ आऊंगा, मेरा स्टूडियो पास में है, 5-7 मिनट के दूर पे। चलो डन। सर कितना पैसा लगा? आईसीआईसीआई बैंक ने लोन करके दिया तो लोन लगा। छोड़ो अभी यार, दुख मत दिलाओ, याद मत दिलाओ। घर वालों को ये समझाया कि मैंने कहा बच्चों को बुक डिलीवरी होती है तो वो काम करेंगे इसमें, तो बोले ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हाँ अब अपन आगे बढ़ते हैं, और एक सेक्शन है, दैट इज द सेक्शन नंबर 206C सब सेक्शन 1G करके, 206C सब सेक्शन 1G, आज की लास्ट सेक्शन करके, ठीक है? हाँ, 206C सब सेक्शन 1G करके। अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। ये आपने एक LRS स्कीम सुना क्या? LRS स्कीम सुना? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। LRS स्कीम के बारे में आपने सुना या नहीं? फटाफट बता दो, आपने LRS स्कीम के बारे में सुना या नहीं? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS स्कीम के बारे में सुना या नहीं सुना? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS स्कीम सुना आपने? यस। LRS स्कीम क्या होता है बताए? हम इंडिया के जो लोग हैं ना, हमको इंडिया के बाहर पैसे भेजने की परमिशन है, और हम इंडिया के बहर कितना पैसा भेज सकते हैं पता है? हम इंडिया के बाहर एक साल में, इंडिया के बाहर फेमा में है, LRS इज अंडर द फेमा। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको LRS स्कीम के बारे में मिलेगा। LRS स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, दैट इज द LRS स्कीम, LRS स्कीम RBI का। अब ये LRS स्कीम जो है ना, ये RBI का स्कीम है। इसमें क्या है कि इंडिया वाले लोग इंडिया के बाहर एवरी ईयर आप जो है $2.5 लाख इंडिया के बाहर भेज सकते हो। जैसे आप कभी कभी सोचते हो ना कि भैया आपको इंडिया के बाहर, मान लो आपको इंडिया के बाहर शेयर खरीदने, आपने कभी सोचा होगा कि एप्पल के शेयर खरीदने, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदने। आजकल एक नया ट्रेंड और चालू हुआ है, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है, बहुत सारे लोग दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आप इंडिया के बाहर कितना पैसा भेज सकते हो, एवरी ईयर का लिमिट है, दैट इज द $2.5 लाख का। तो $2.5 लाख बहुत ज्यादा होता है, तो $2,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 80 का रेट लेते हो तो इट्स कम्स टू द 2 करोड़ रुपीज, राइट? 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 80 का रेट लेते हो तो 2 करोड़ रुपीज इंडिया के बाहर आप एवरी ईयर 2 करोड़ रुपीज इंडिया के बाहर भेज सकते हो करके, ठीक है? दिस इज अलाउड, 2 करोड़ रुपीज आप इंडिया के बाहर भेज सकते हो करके, ठीक है? अब एक बात समझना, इसमें LRS स्कीम में ये जो आप इंडिया के बाहर भेजोगे, ये बाहर भेज के आप क्या खरीद सकते हैं? प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बाहर जाके, एज वेल एज द बाहर से क्या बोलते हैं कोई, जैसे आपको क्या करना है, व्हाट आर द पर्पस अंडर द LRS स्कीम, LRS स्कीम के पर्पस क्या हो सकते हैं? जैसे किसी क्लोज रिलेटिव के मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हो, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल भूटान को छोड़ के घूमने जा रहे हो, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो, तो ये सब उसमें दे रखा है कि क्या क्या आप कर सकते हैं एंड ऑल करके, ठीक है? तो एक बात समझना, शेयर वगैरह खरीद सकते हो, दैट इज द LRS स्कीम। अब है ना, गवर्नमेंट को लगा कि यार ये LRS स्कीम में लोग इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हैं, बट इनकम टैक्स में ट्रैक नहीं हो पा रहे कि कौन कौन लोग भेज रहे हैं, इनकम टैक्स में ये ट्रैक नहीं हो पा रहे कि कौन कौन लोग भेज रहे हैं। तो क्या हुआ, लॉ मेकर्स ने एक सेक्शन बनाई लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर बनाई, और लास्ट टू लास्ट ईयर ये सेक्शन बना के इन्होंने लिखा कि अगर कोई ऑथोराइज डीलर का मतलब होता है जो बैंक्स वगैरह जिसके थ्रू आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो, ऑथोराइज डीलर मीन्स जो बैंक्स वगैरह होती है जिसके थ्रू आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो,
तो अगर ऑथोराइज डीलर के थ्रू अगर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन अगर ऑथोराइज डीलर के थ्रू आप इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो और वो पूरे साल में मिला के 7 लाख रुपए से ज्यादा है, 7 लाख रुपए से ज्यादा है, मीन 7 लाख रुपए इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं, 7 लाख रुपए से ज्यादा आपने एलआरएस स्कीम में इंडिया के बाहर पैसा भेजा, तो जो भी इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपए रहेगा, मीन 7 लाख रुपए से जितना ज्यादा रहेगा, इस सेक्शन में भी एक्सेस की बात की है, तो 7 लाख रुपए से जितना ज्यादा रहेगा ना, उस पे आपका 5% की रेट से ये ऑथोराइज डीलर क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। ये ऑथोराइज डीलर जो है वो ऑथोराइज डीलर क्या करेगा, आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा, और वो टीसीएस जो कलेक्ट करेगा वो कौन सी रेट से करेगा, 5% की रेट से करेगा करके, ठीक है। तो देखिए बेटा, समझने की कोशिश करना, अगर कोई ऑथोराइज डीलर है वो क्या करता है, किसी भी पर्सन से पैसा किसी का बाहर भेज रहा है, और बाहर भेज रहा है कौन सी स्कीम में भेज रहा है, एलआरएस स्कीम में भेज रहा है, और एलआरएस स्कीम में अगर इंडिया के बाहर 7 लाख पर एनम से ज्यादा भेजता है, तो जितना भी इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है उस पर 5% की रेट से टीसीएस आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मैं जो है मिस्टर बीबी, मैंने क्या किया कि मान लो एक बैंक है जिसका नाम है कोटक, कोटक के थ्रू मैंने इंडिया के बाहर पैसा भेजा, और इंडिया के बाहर फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 30 लाख रुपए इस साल भेजा शेयर खरीदने के लिए, मुझे 30 लाख के शेयर खरीदने थे मान लो फॉरेन की कंपनीज के, एप्पल्स वगैरह के, फेसबुक के, ट्विटर के, तो मैंने क्या किया मान लो 30 लाख इंडिया के बाहर भेजे, तो 30 लाख जब मैंने इंडिया के बाहर भेजे तो इस 30 लाख में से क्या होगा कि बाबूजी इस 30 लाख में से 7 लाख पे कोई टीसीएस नहीं आएगा, 7 लाख पे कोई टीसीएस नहीं, बट 23 लाख जो रहेगा इस 23 लाख पे वो मेरा 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेंगे, कौन, जो ऑथोराइज डीलर है, मिस कोटक है, वो कोटक मेरा टीसीएस कलेक्ट करेगा 23 लाख पे 5%। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना करके, ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, लॉ मेकर्स बोलते हैं, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो ये पर्सन इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है ना, ये पैसा अगर आपका एजुकेशनल लोन वाला है, मींस ये पैसा आपने लोन लिया है और वो लोन एजुकेशनल लोन है, तो एजुकेशनल लोन है तो यहां पे टीसीएस की रेट है ना वो 5% नहीं लगेगी, इसकी जगह सिर्फ 0.5% हो जाएगी। तो देखिए मैंने क्या बोला कि जो पैसा आप इंडिया के बाहर भेज रहे हैं वो पैसा एजुकेशनल लोन वाला है, एजुकेशनल लोन वाला है, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया यहां पे 5% बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रेट हो जाएगी करके टीसीएस की, क्योंकि यार एक तो लोन लेके पैसा लिया है, और लोन लेके पैसा लेके और आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो, किसके लिए, अपने कोई बेटा बेटी पढ़ रहा होगा उसके लिए भेज रहे हो, तो वहां पर जो है टीसीएस की रेट 5% नहीं है, वो सिर्फ 0.5% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0.5% हो जाएगी करके, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरा बेटा है वो यूक्रेन में पढ़ता है, कहां पे पढ़ता है, यूक्रेन में पढ़ता है, एग्जांपल के लिए मेरा बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है, अब यूक्रेन में पढ़ता है तो उसको पैसे की जरूरत थी, मैंने एजुकेशनल लोन लिया, और मैंने एजुकेशनल लोन लिया 30 लाख का, और वो पैसा यूक्रेन भेजा, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे रेट है वो 5% नहीं होगी, सिर्फ 0.5% होगी, क्योंकि 0.5% से भी चीजें ट्रैक हो सकती है करके, ठीक है, 0.5% है वो टीसीएस का रेट रहेगा, मींस टीसीएस ऑथोराइज डीलर है वो कितना काटेगा, ओनली 0.5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, ये तो बात हो गई एक बात मतलब ये बात किसकी हो गई तुम्हारे, दैट इज ऑथोराइज डीलर के थ्रू इंडिया के बाहर आप एलआरएस स्कीम में पैसा भेज रहे हो। अब एक चीज समझना दूसरा, इसी सेक्शन का दूसरा पार्ट है, और इसी सेक्शन का दूसरा पार्ट क्या है कि अगर कोई भी सेलर है और वो सेलर क्या करता है पता है, किसी भी पर्सन को ओटीपीपी बेच रहा है, ओटीपीपी का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं, कोई सेलर है वो सेलर क्या करता है, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को अगर ओटीपीपी बेच रहा है, ओटीपीपी का मतलब होता है ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, मींस आप इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हो, और इंडिया के बाहर अगर आप घूमने जा रहे हो और वो आपको ओटीपीपी बेच रहा है, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम बेच रहा है, मींस पैकेज बेच रहा है, हनीमून पैकेज बेच रहा है करके, ठीक है, तो ये जब किसी भी पर्सन से पैसा कलेक्ट करेगा ना, तो उसके साथ साथ में उसका यहां पे बेटा 5% की रेट से टीसीएस भी कलेक्ट करेगा,
मतलब इस सेक्शन में भी आपकी जो टीसीएस की रेट रहेगी वो टीसीएस की रेट आपकी 5% की रेट से रहेगी। 5% की रेट से वो टीसीएस कलेक्ट करेगा कौन? सेलर। यहां पे 7 लाख का लिमिट नहीं है, यहां पे कितना भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपके बैच में से हमने मान लो प्रॉमिस कर दिया कि आपके बैच में से अगर टॉप 10 में किसी पर्सन ने रैंक ला ली तो मैं आपको सिंगापुर भेजूंगा, मैं आपको सिंगापुर भेजूंगा अगर आपके बैच में से किसी ने टॉप 10 में रैंक ला ली तो। अब एक बात समझना, हमने आपके लिए सिंगापुर का पैकेज बुक कराया किससे? मेक माय ट्रिप से। तो मेक माय ट्रिप से यहां बीबी वर्चुअल ने क्या किया, सिंगापुर से कोई पैकेज बुक कराया, सिंगापुर का पैकेज बुक कराया मेक माय ट्रिप से, और वो पैकेज था 2 लाख का। तो हम जब इसको 2 लाख का पेमेंट करेंगे ना, तो 2 लाख के साथ साथ में हमको उनको 5% का टीसीएस भी देना पड़ेगा। मींस यहां पे जो पैकेज का जो सेलर है वो क्या करेगा, 5% की रेट से टीसीएस है वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। तो देखिए इस सेक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, 206C1G मतलब घूमने जा रहे हैं, जी मीन्स घूमने जा रहे हैं करके, ठीक है, घूमने जा रहे हैं। तो जी को आप ऐसे घूमने से याद रख सकते हो। ये लास्ट टू लास्ट ईयर सेक्शन आई और ये इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं ना टीडीएस टीसीएस टॉपिक में करके, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या डेवलपमेंट है करके, ठीक है, मजा आएगा कल के लेक्चर में आपको। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, सेलर जो है वो ओटीपीपी बेच रहा है। ओटीपीपी का मतलब होता है ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम। पैकेज प्रोग्राम मतलब आप सिर्फ फ्लाइट बुक नहीं कराई या सिर्फ होटल बुक नहीं कराई, देखो सिर्फ फ्लाइट बुक, मैं दुबई गया सिर्फ फ्लाइट बुक कराई तो भैया टीसीएस नहीं आएगा, या मैंने किसी से सिर्फ होटल बुक करा ली तो टीसीएस नहीं आया, मैं पैकेज बुक करा रहा हूं। पैकेज में क्या होता है, आपका ट्रेवलिंग भी होता है, खाना भी होता है, फूड भी होता है करके, ठीक है, मतलब उसमें पैकेज आप बुक कर रहे हो, जब जिसको पैकेज बोल सकते हो, वो पैकेज अगर आप बुक कराते हो तो ये सेक्शन में आपका 5% की रेट से टीसीएस है वो टीसीएस कलेक्ट होगा करके, ठीक है। अब एक और बात समझना, अगर जैसे ये पैकेज में, ये पैकेज जो है, मैंने कोई पैकेज लिया, समझने की कोशिश करना, मैंने कोई पैकेज लिया और मैंने सोचा कि मैं पैकेज लेके, मैंने पैकेज लिया एक, मान लो मेरे को जाना है यूरोप टूर पे, मैंने यूरोप टूर पे मेरे को जाना है, तो मैंने क्या किया, मेक माय ट्रिप से एक पैकेज लिया और वो पैकेज है 40 लाख का, मान लो 40 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है, और मैंने किससे लिया, मेक माय ट्रिप से, बीबी ने लिया किससे, मेक माय ट्रिप से 40 लाख का पैकेज। अब इस पैकेज पे हमने 5% की रेट से टीसीएस भी दे दिया। अब एक बात समझना, पैकेज में कंडीशन ऐसी है कि इस 40 लाख रुपीज में आपको दे रहा हूं ना, इसमें से 10 लाख रुपीज मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए फॉरेन में जाके। अब एक बात समझिए, मैं मेरे एग्जाम्पल को समझना, मैंने पैकेज 40 लाख का लिया है, बट इस 40 लाख में भैया ट्रांसपोर्टेशन है, रहना है करके, ठीक है, फ्लाइट का है, और मेरे को वहां जाके आप फॉरेन करेंसी दोगे 10 लाख खर्च करने के लिए, 10 लाख रुपीज का फॉरेन करेंसी दोगे। अब एक बात समझना, ये जो एमएमटी है ना, ये एमएमटी मान लो ऑथोराइज डीलर भी है जो इंडिया के बाहर पैसा भेजता है, ये ऑथोराइज डीलर भी है, तो ये लोग मुझे 10 लाख है वो 10 लाख वहां जाके देंगे कहां पे, फॉरेन में, तो वो इसमें 40 लाख में भाई 10 लाख वो भी तो इंक्लूड है इस ओटीपीपी में जो कि इंडिया के बाहर मुझे मिलने वाला है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या 10 लाख पे दोनों जगह टीसीएस आएगा, इसमें 5% आएगा और फिर वो 10 लाख में 7 लाख के ऊपर वाला, क्योंकि एलआरएस में ये इंडिया के बाहर भी मुझे भेज रहे हैं पैसा, तो क्या यहां पे भी 5% आएगा रिमेनिंग 7 लाख को छोड़ के बाकी वाले 3 लाख पे? आंसर इज नो। मतलब यहां अगर सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, ये जो सेलर है, ये सेलर ने अगर टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया है तो उस पर्टिकुलर केस में, मतलब सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया है तो फिर अगर आप भले ऑथोराइज डीलर आप खुद ही हो तो आपको वापस टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर कोई पर्सन जो है वो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। जैसे नॉन रेजिडेंट लोग वगैरह घूमने आते हैं, अब वो ओटीपीपी खरीदते हैं तो क्या उनका भी टीसीएस काटा जाए, कलेक्ट होगा? आंसर इज नो ना। जैसे बहुत बार क्या होता है, कोई नॉन रेजिडेंट लोग होते हैं, नॉन रेजिडेंट लोग अगर इंडिया में घूमने वगैरह आते हैं तो उनका भी क्या टीसीएस एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। जैसे मान लो कोई फॉरेन का बंदा है, वो मेक माय ट्रिप से वगैरह कोई टिकट बुक कराता है पैकेज का वगैरह, इंडिया घूमने आ रहा है या कहीं और भी घूमने जा रहा है, तो उसमें ये टीसीएस की सेक्शन नहीं आएगी। मतलब ये रेजिडेंट लोग अगर पैकेज बुक कराएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन आएगी। आप एक काम करिए, एक और चीज देखो बेटा, इस सेक्शन में टीसीएस नहीं आएगा अगर कहीं टीडीएस कट चुका है, मतलब इन ट्रांजेक्शन पे या तो ऑथोराइज डीलर या फिर एमएमटी वाले पे अगर टीडीएस कट चुका है तो टीसीएस नहीं आएगा। इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है,
एग्जाम्पल के लिए एक बात बताओ, मैं आपको सिंगापुर भेजने वाला हूं, तो हमने क्या किया, पैकेज बुक कराया, तो पैकेज पे ये तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 194C में अगर हमने टीडीएस काट लिया तो फिर ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। अगर बीबी वर्चुअल ने मेक माई ट्रिप का 194C में टीडीएस काट लिया तो इस पर्टिकुलर केस में ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे करके, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, 206C1G पूरा पढ़ लीजिए, अगले पेज पे जितने एग्जाम्पल दे रखे वो भी पढ़ लीजिए, 206C1H को छोड़ दीजिए, 1H जो है वो अपन कल डिस्कस करेंगे, 1H है वो अपन कल डिस्कस करेंगे, कल हम ट्राई करेंगे स्टार्टिंग के 2 घंटे के अंदर अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और कल ही हम ट्रस्ट टैक्सेशन चालू कर देंगे। चलिए तो आप एक काम करिए, इस टॉपिक को पूरे को पढ़िए, 206C1G जो है उसको पूरे को पढ़ लीजिए अलोंग विथ ऑल द एग्जांपल्स। विदिता बोल रही है कि आपने वर्बल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या ये बाइंडिंग होगा सिंगापुर ट्रिप का? 101% मैं तुझे सिंगापुर ट्रिप दूंगा, टॉप 10 में रैंक लाके दे दे, बस टॉप 10, ठीक है, चलो डन। ये सिर्फ विदिता के लिए एप्लीकेबल। चलिए विदिता मेहनत कर, जितनी मेहनत कर सकती है ना उतनी कर, सिंगापुर ट्रिप और साथ में एक इंटरव्यू भी तुम्हारे साथ में, चलो डन बैठ। अनिल शर्मा कल अपन देखेंगे ना, कल अपन इसको लिए देखेंगे, सबके लिए एप्लीकेबल कर दो, चलो सबके लिए एप्लीकेबल डन। ये लाइव बैच के जो फास्ट ट्रैक बैच के जितने बच्चे हैं, हिंदी फास्ट ट्रैक बैच के जितने लाइव के बच्चे हैं सबके लिए टॉप 10 में रैंक, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बट करना। चलिए पेज नंबर 381 पे जो दे रखा है उसको पूरा पढ़ लीजिए, 206C1H से ऊपर जो भी दे रखा है उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रतीक बोलता है कि आज तक हम क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आए करके, ठीक है, और आप रैंक की बात कर रहे हो, नहीं नहीं मेरा कोई रैंक नहीं था, I have not scored any rank. हम वैसे वाले लोग थे कि भाई 400 आ जाने चाहिए, बट रैंक मेरे पास टाइम भी इतना नहीं था, और दूसरी चीज मेरे ऐसे मार्क्स अच्छे आए थे, इंटर में कुछ थे 3 पहले 700 में से था, फाइनल में 463 के आसपास थे। चलिए डन, ट्राई करो ट्राई करो, मोटिवेट हो यार, कम से कम थोड़ा मोटिवेट तो हो। चलिए मेरी रैंक आई नहीं, मुझे पता नहीं था रैंक की वैल्यू, नहीं तो मैं ला लेता सच्ची, नहीं तो मैं ला लेता, अगर मुझे रैंक की वैल्यू पता होती ना कि भाई रैंक, उस टाइम पर मुझे वैल्यू पता नहीं थी, मेरे को लगता था ठीक है यार पास हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, पास होने जितनी मेहनत करेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे, जितना पढ़ाया टीडीएस टीसीएस में आज प्लीज आप रिवाइज करके आइए, जितना पढ़ाया आप रिवाइज करके आइए, कल ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे करिए, ठीक है, कल इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक्स अ लॉट पीपल, सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।